नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी दोस्तों का स्वागत है आज के जूम सेशन में। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ज्यादातर दोस्तों के पास उमर सर के ऑडियो मैसेज और कंपनी का जो ऑफिशियल मैसेज है वो पहुंच गया होगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, आप लोग अपनी टीम को इनवाइट कर लें। तब तक मैं देख लेता हूं कि हमारे और कौन कौन से मित्र हैं जो आज की मीटिंग में अटेंड कर रहे हैं, मैं उन्हें को होस्ट कर दूं। भाई साहब हीरा लाल जी, ठीक है भाई। मैं इसे एक्सेप्ट करें? ओके, मैं सर, मैंने आपको को होस्ट कर दिया है, आप प्लीज देख लें। और कोई दोस्त हो तो आप उन्हें भी को होस्ट कर दें, पैनलिस्ट में ले लें। महेश भाई फ्री हैं? हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ मेरे जी पास सर, तो 12 देख लें सर, अगर कोई और मित्र हो तो उनको भी आप पैनलिस्ट कर लें। ओके ओके चल, तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी दोस्तों को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा आप लोग सब लोग जानते हैं कि ये त्योहार ही बुराई पे अच्छाई की जीत का है। और आज जिस तरह के मैसेजेस हम लोगों के पास आ रहे हैं उसमें मुझे लगता है कि और भी कई अच्छाइयाँ छुपी हुई है। तो एक्चुअल अपडेट क्या है, जैसा कि अभी हम लोगों ने उमर सर का ऑडियो मैसेज सुना, तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि कल की मीटिंग को वो अटेंड कर रहे हैं, कल की मीटिंग में आके हम लोगों का पूरा मार्गदर्शन करेंगे। बट अभी तक मुझे ऑडियो के माध्यम से जो समझ में आई है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं। और एक बार आप लोग कम्युनिटी को बुला लें तो ये डिस्कशन हम लोग छोड़ देते हैं उमर भाई के ऊपर। तो हम लोग सीधा सीधा आज विजयादशमी मना लेते हैं, और जितने हमारे दोस्त हैं वो आपस में कुछ अपने विचार रख लें और अपनी प्लानिंग बताएं कि आगे क्या क्या करना है। हमारे काफी दोस्त हैं और आज सभी दोस्तों का अधिकार है कि अपनी टीम के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करें। जी, मैं सर शुरू करें आप। बस सभी सभी सदस्यों को, सभी पूरी कम्युनिटी को विजयदशमी की शुभकामनाएं हैं। एंड अभी उमर सर का जो मैसेज पासन हुआ है सबको, उसमें मुझे लगता है कि कुछ स्पेशल, कुछ ऐसा खास होने वाला है जो कि हम सबको कुछ चेंज कर सकता है। क्योंकि हर बार उमर भाई ने जब भी कुछ किया है तो कुछ ना कुछ चेंज हुआ है, लेकिन इस बार मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ ऐसा शतरंज की बिसातें बिछाई हैं जिससे बड़े बड़े मारुति फेल हो जाएंगे इनोवेशन फैक्ट्री के प्रोजेक्ट के आगे। तो बस अब ये देखना है कि वो चालें कैसी हैं, उससे हमारी कम्युनिटी का कैसे भला होने वाला है और कितने जल्दी लोग अपनी शिखर को प्राप्त करने वाले हैं, ये कल की मीटिंग में हम लोग को पता चलेगा। बाकी गॉड नोस क्या होने वाला है, ये ऊपर वाले को पता है एंड अपने प्यारे उमर भाई को पता है। थैंक यू। जी संजय वर्मा भैया, बताएं, वर्मा जी हैं साथ में। हेलो हेलो। जी संजय वर्मा जी, हाँ सर, मैं अभी हाल ही में जुड़ा हूँ सौरभ वर्मा के रेफरल के माध्यम से। तो अभी मुझे अच्छा कुछ अच्छा थैंक इनिशियल जानकारी नहीं है कि जैसे इसमें क्या। यू, थैंक यू सर, थैंक यू। एक्चुअली क्या है ना कि आप कोई और संजय वर्मा समझ के उठा लिए गए हैं। अपने देख लें। जी हीरा लाल भाई, आप अनम्यूट करें। थैंक यू सुरेश भाई, थैंक यू। और सभी को आज जो फेस्टिवल है हमारा, सुरेश भाई ने सही कहा कि हमें अच्छा
बुराइयों को छोड़ करके हमारे अंदर जो रावण रूपी जो बीमारियां बैठी हुई है, जो उसको हमें दूर करना चाहिए मोह। और इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और सीखते तो हम हर चीज से ही हैं, हम हर व्यक्ति से सीखते हैं, इंसान से सीखते हैं, जो बोलते हैं उनसे भी सीखते हैं, पेड़ से सीखते हैं, पौधों से सीखते हैं। और सीखने की हमें आदत होगी ना, तो इसी बुराई को हम छोड़ करके अच्छाइयों के हमारे अंदर जो अवगुण पे हम भरे हुए हैं उनको छोड़ना चाहिए। और सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और बनाते रहे फेस्टिवल, बनाते रहे। और इनोवेशन फैक्ट्री में तो आपको पता है डेली हमें फेस्टिवल बनाते हैं, जिस प्रकार से उमर भाई ने एक बार बोला भी था कि मैं आपको एक दिन टारगेट बताऊंगा कि यहाँ पर 1 करोड़ लोग कितने दिन में आ जाएंगे। फिर उन्होंने एक दिन बताया कि आपको 16 दिन के अंदर यहाँ पर 1 करोड़ लोगों को कम्युनिटी होगी। और शायद जो अभी उमर भाई की जो अपडेट मिली है हमें, उससे यही निष्कर्ष निकलेगा कि हर एक व्यक्ति ना यहाँ पर आपके लिए आसान हो जाएगा काम करने के लिए। बोला वॉलेट में BFIC को इंटीग्रेट करना हो, आपके लिए कुछ भी नहीं करना, वहीं से आप विड्रॉल कर सकते हैं, वहीं से BFIC ले सकते हैं, वहीं पे भी बॉन्ड ले सकते हैं, वो वहीं से हम विड्रॉल कर सकते हैं। यानी आपके लिए एक तो आसान कर दिया जाएगा, दूसरा आप अर्निंग करने के जो फास्ट जो टेक्निकल चीजें हैं वो भी उमर भाई आपके साथ में शेयर करेंगे। और आज हमारे साथ में सीएस भाई काफी दिन के बाद में आए हैं, क्योंकि सभी फील्ड में निकले हुए हैं सभी लीडर लोग, और अपनी मीटिंग कर रहे हैं। उमर भाई ने तो टारगेट दे रखा है कि हमें लगभग 3 महीने तक कहीं भी घर पर नहीं बैठना है, और लगातार हमें मेहनत करना है इस पे। और इसीलिए कोर लीडर कमी जो मीटिंग ले पा रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें हर एक व्यक्ति को ना, जितने भी इनोवेशन फैक्ट्री में दोस्त जो काम कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति का ये मान के चलें कि जिस प्रकार से जितने भी कोर टीम लीडर हैं या अदर लीडर भी अपने मार्केट में निकले काम कर रहे हैं ना, उसका आउटपुट सभी को मिलना है, ये पार्टिकुलर एक व्यक्ति को नहीं है। इसीलिए हम सभी को एक साथ मिलकर के, एकता में शक्ति होती है, एक साथ मिलकर के हम बुलेटों को, प्लान को एक बड़े लेयर पे पहुंचाना है। और इसके लिए कंपनी ने हमें बहुत अच्छा दिया ये, और इसके लिए हर एक व्यक्ति सक्सेस करते हैं, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, यानी जिसका कोई भूख हो पैसे कमाने की, वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकता है डेफिनेटली। और अपन को ट्रेंड जूम मीटिंग के माध्यम से करें, फेस टू फेस मिलके करें, जब तक आपकी टीम जब तक सीखेगी नहीं तब तक आप बड़े लेवल पे काम नहीं कर सकते हैं। जैसा कि काफी लीडरों ने ऑफर भी दें ऑफर अच्छी बात है, दो चीजें होंगी, एक तो लीडरों के पास में हौसला बढ़ता है, एक ऑफर एक टारगेट मिल जाता है ना, उसको अचीवमेंट करने का एक टारगेट मिल जाता है, उसके बेस पे हम काम कर सकते हैं। काफी लोगों को टारगेट बनाना नहीं आता है, जिस प्रकार से काफी लोग अपन टारगेट बना के जो काम करते हैं ना, इसीलिए वो सुबह शाम देखते नहीं है, उनका टारगेट है कि हमें 1 साल बाद में यहाँ बुलेटों में कितना अर्निंग करना है, उसके लिए काम करते हैं। और जिन दोस्तों के पास में टारगेट नहीं होता है, शायद उनका काम बहुत धीरे होता है। तो टारगेट लें, टारगेट अपनी टीम को दें, ताकि हर एक व्यक्ति यहाँ पे सक्सेसफुल हो। तो थैंक यू सिवेश भाई, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू जी। मुश्ताक सर वेलकम। सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों, हम लोग इनोवेशन फैक्ट्री के पार्ट, कोई दौर था जब हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन एक बिलीव, एक भरोसा, एक बड़ी कामयाबी तक पहुंचाया। और नो डाउट उमर खान जैसा मेंटर हमको आपको मिला, जो हमारी सक्सेस के लिए बड़े बड़े कदम उठाता है। अभी जो ऑडियो उमर सर का आया है, एकदम चौंकाने वाला है, अविश्वसनीय है। अब वो उमर सर ही अनाउंस करें तो बेहतर है, लेकिन उन्होंने एक बात कहा, अभी तक बिटकॉइन की बारिश हो रही थी, अब बिटकॉइन की आंधी आने वाली है। अब आप कल्पना कर सकते हो भाई कि क्या प्लानिंग है उस बंदे की। ये और समझ लें उस सर, अमेरिकन टाइप का सैकलून आने वाला है, जैसे अमेरिका में सैकलून आता है ना, जी वैसे उस टाइप का सैकलून आने वाला है। और सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं फिर बता दूं कि कम्युनिटी, कंपनी का हमेशा विजन रहता है बड़ी कम्युनिटी। जी सर, कंटिन्यू करें। हाँ तो सर संजीव वो जी सुरेश भाई, मैं क्या कह रहा था कि सर, आज का जो हाँ सेशन है ना, वो अपने जो खासकर लीडर्स हैं उनसे चर्चा कर रखा जाए ज्यादा बेहतर है। क्या कहते हैं आप? उनसे उनसे मतलब जितने भी लीडर्स हैं ग्रुप में, कम्युनिटी में अभी जो ज्वाइन हो रहे हैं, मेरे ख्याल से आप प्लान प्रेजेंटेशन आप अगर आपको सही लगे तो ना करके लोगों से विचार हम लोग जाने समझे, जी, चलें ऐसा ही करते हैं आज, कि नहीं? क्योंकि प्लान ऑलमोस्ट सारे लोगों को पता हाँ है, और जो डिटेल्स अपडेट है वो कल उमर सर देंगे, ठीक है।
और आज हम लोग विजयादशमी को मना लें जी। मुश्ताक सर कंटिन्यू करें, उसके बिल्कुल बाद खान साहब हैं और तो लीडर हैं जी। हाँ। तो सर मैं यही कह रहा था कि हम सब बहुत खुशनसीब हैं, हम एक ऐसे मेंटर के साथ हैं जिसकी सोच ही हम तो लगता है दुनिया से अलग है, और तभी हम बिल्कुल सही दुनिया में अलग होने जा रहे हैं, हम क्रिप्टो की दुनिया में वो करने जा रहे हैं जो कोई नहीं कर पाया। आज दुनिया में बिटकॉइन कमाने का अवसर कोई नहीं बना पाया, उसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक ये है कि बिटकॉइन का लेन देन और छोटे बिटकॉइन का ट्रांजेक्शन इतना भारी पड़ता है कोई सोच नहीं पाया। हमारे मेंटर ने बिटकॉइन बांड बना करके बिटकॉइन का लेन देन इतना आसान कर दिया कि दुनिया को चौंका दिया। तो दोस्तों हम खुशनसीब हैं कि हम एक ऐसे मेंटर के साथ हैं। दूसरी बात यह है कि ऐसा भी नहीं कि हम और आप अगर बड़ी कामयाबी पा गए तो बहुत काबिल हो गए, काबिलियत नहीं है। भगवान की इच्छा थी कि हम लोगों को कुछ ना होते हुए भी इस प्लेटफॉर्म पर फर्स्ट डे से भरोसा किया, उसी भरोसे की जीत। आज त्योहार है, बुराई पर अच्छाई की जीत, तो हम लोग बहुत बड़ी जीत हासिल करने वाले हैं। थैंक यू दोस्तों। और ये बेरोजगारी पर अमीरी की जीत होगी जी। थैंक यू सर जी। खान साहब, किंग खान। थैंक यू गुड इवनिंग ऑल पार्टिसिपेट। सबसे पहले मैं सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा, और जैसा कि हमारे सारे लीडर फरमा रहे हैं कि एक डायलॉग चलता था ना इनोवेशन फैक्ट्री की हर मीटिंग में कि इनोवेशन फैक्ट्री दिल में आती है समझ में नहीं आती, लेकिन उससे कहीं बढ़कर ओके सर दिल में आते हैं समझ में नहीं आते। दोस्तों हम ही नहीं समझ पाए 3 साल से, तो शायद नहीं आने वाले लोग क्या समझ पाएंगे। उनकी हर बात में एक इनोवेशन होता है। आज अचानक उनके दिमाग में कौन सा प्लान आया और एक ऑडियो डाला, बहुत काबिले तारीफ ऑडियो है। अगर वो सही से हम लोगों को एक्सप्लेन कर पाते तो हम आप लोगों को बताते, हम भी आपकी तरह ही उसको सुन रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको इस बिलीव के साथ कहना चाहूंगा कि शायद उन्होंने बहुत बड़ा हम लोगों के लिए कुछ सोचा होगा, तभी तो ये बात कही है कि अभी तो बारिश हो रही थी, अब आंधी आएगी बिटकॉइन की। तो शायद वो दिन कल हमें मॉर्निंग के बाद में कुछ पता लगे तो हम आप लोगों को समय से पहले बता पाए। अभी तक हम किसी भी लीडर के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं कि आने वाला दिन क्या होने वाला है 24 घंटे। लेकिन उनके इस फैसले का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ कि उन्होंने सही समय पर एक अच्छा डिसीजन लिया। उस समय ऐसा था कि आज विजयदशमी के इस त्योहार पर उन्होंने बहुत अच्छा एक नायाब तोहफा देने के लिए सोचा, और समय भी सही चुना कि जहाँ अच्छे से सारी कम्युनिटी इस त्योहार को मना पाए। तो दोस्तों कल की मीटिंग उमर भाई लेंगे तो उसमें हम लोगों को अच्छे से पता चल पाएगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि शायद इनोवेशन फैक्ट्री बहुत बड़ा कुछ सोच करके और हमें ब्लूटो के अंदर कुछ नया तोहफा देने वाली है, उसकी तैयारी कर लें। और बस जिन लोगों ने इस ब्लूटो को एक्सेप्ट किया, मुसीबतें झेली कुछ दिनों की, क्योंकि आपको पता है कि शुरुआत के दौर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, लेकिन हमारे लीडर्स जिस तरीके से टिके रहे, हो सकता है कल उनके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला हो। तो थैंक यू दोस्तों, कल मीटिंग तक वेट करें, उमर भाई के ही द्वारा हम उस अपडेट को सुनेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जी मिलिंद पाटिल जी, मिलिंद भाई हैं, जी, शिवेश भाई मैं हूँ। थैंक यू वेलकम। शिवेश भाई। तो बस तो बाकी सब तो आप लोगों ने बता ही दिया, तो अभी कल की मीटिंग का वेट है। अभी तो क्लियरली हम लोग कुछ भी नहीं बता पाएंगे, जो ऑडियो उमर भाई ने भेजा बस वही है। और सभी को मेरे तरफ से विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बहुत अच्छा ही होगा, बहुत अच्छा ही होगा। तो बस इतना ही बोलना चाहता हूँ। थैंक यू शिवेश भाई। बिल्कुल, बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि अपनी अपनी कम्युनिटी को ये मैसेज जरूर कर दें कि लोग ये पैनिक ना हो कि रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हो रहे हैं, फंड ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहे हैं, इस तरह के इश्यूज ना हो, बस अपनी कम्युनिटी को लोग इन्फॉर्म कर लें। ठीक है जी। नेक्स्ट वन संजीव राठौर जी। जी शिवेश भाई, बहुत ही देखिए, हम लोगों ने जब भी ऐसे सिचुएशन को सामना किया है तो रिजल्ट बहुत ही शानदार निकला है, क्योंकि अगर उमर भाई के दिमाग में कुछ आया है तो कुछ ना कुछ शानदार होगा। और जिस ऑडियो को हम लोगों ने भी सुना है तो उसमें उमर भाई का एक्साइटमेंट लेवल बहुत अपर है, तो इसका मतलब यानी कि न्यूज़ बहुत बड़ी होगी। तो
तो हमें वेट करना होगा, ठीक है, कब उमर भाई मीटिंग्स लेते हैं और कब मीटिंग्स करते हैं, बस उसका वेट करना है हमें। और जो भी न्यूज़ मिलेगी उसके बाद, जैसा कि वो बता रहे हैं कि भाई आंधियां आएंगी, तूफान आएंगे, तो भाई मजा ही आ जाना है, क्योंकि अभी तो हम लोग जो टारगेट्स बना रहे थे कि भाई 100 100 BTC, 500 BTC, 1000 BTC, अब हो सकता है भाई अब टारगेट्स हमें 10 टाइम्स करने पड़े, अपने बढ़ाना पड़े टारगेट्स के भैया आप 10000 BTC कमाएंगे हमको, तो वही चीज है, बहुत कुछ अच्छा, बड़ा होने आपने वाला आपने आप नहीं भी टारगेट करेंगे तो भी बढ़ जाएंगे। है ऑटोमेटिक हो जाएगा, वही चीज है। तो हम लोगों को बस अपने टीम्स को बस सजो के रखना है। देखिए एक सीधी सी मैं आपको बात बताना चाहूंगा, देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं सर यहाँ पर ये इशू वो इशू, लेकिन आप एक चीज देखिए, हम लोग 3 साल से यहाँ काम कर रहे हैं और 3 साल से हम यही कह रहे हैं कि सर इशू आ रहा है, सर हम ये ऐसा करेंगे, हम नहीं करेंगे, ये है वो है, लेकिन करते 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 भाई आज के डेट में लाखों लोग करोड़पति भी बन चुके हैं, ठीक है अरे ना। संजीव भैया, देखिए इशू और सक्सेस का मैं एग्जांपल बता देता हाँ हूँ। जहाँ कमल है वहाँ कीचड़ है, जहाँ गुलाब है वहाँ कांटे हैं, जहाँ चंदन का पेड़ है वहाँ सांप है, ये चलता ही रहता है भाई, ठीक है, जहाँ यस। सक्सेस है वहाँ इशू है। और मैंने सिर्फ एक बात कहा था, मैंने अपने जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं मैंने उनसे सिर्फ एक बात कहा था कि भाई आपको कोई भी ऐसी कंपनी मिल जाए जो एक लॉन्ग विजन के साथ में लंबी चल जाए, बस चाहे आपके पास इनकम भले कम आए लेकिन आप एक बहुत बड़ा पैसा बना सकते हो, क्योंकि हमको क्या चाहिए, हम देखिए हम किसी भी कंपनी के अंदर जाते हैं, वहां 2 महीना 3 महीना 4 महीना काम करते हैं और फिर हमें टीम डेवलप करनी पड़ती है। इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर आप देख रहे हैं कितना बड़ा अट्रैक्शन है, मीन्स यानी कि हमने टीम बनाई एक, ठीक है, उसको डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट में लगाकर वहां से, ठीक है, मल्टीपल किया पैसा, तो ये एक बहुत बड़ा इसका एक प्लस पॉइंट है। और यहाँ पर हर बंदा सक्सेसर है, हर बंदा एक बड़ा पैसा बना रहा है, और यकीन माने आप अपना अगर देखेंगे रिकॉर्ड्स, आपके आस पड़ोस के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आपके लीडर्स हैं, जो भी हैं, आप देखेंगे कि वो लोग एक बहुत बड़ा अचीवमेंट्स ले चुके हैं। आज की डेट में मैंने बहुत कम ऐसी कंपनियां देखी हैं जहां से लोगों ने बहुत बहुत बड़े अचीवमेंट्स लिए, लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री से बहुत बड़े लोगों ने अचीवमेंट्स ले चुके हैं, अपनी लाइबिलिटीज खत्म कर चुके हैं, अपने सारे ड्रीम्स को पूरा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उमर भाई पता क्या कहते हैं कि भाई अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है। तो भाई मुझे तो लगता है कि भाई सबके सबको अपने घर पे एक हेलीपैड बनवाना चाहिए, ठीक है ना, जो भी नया घर बनवाए, और उससे बड़ा जो भी आपने अभी काम किया है उससे 10 गुना बड़ा सोचें, अब 100 गुना बड़ा सोचें कि भाई जो भी आपने घर लिया है उससे 100 गुना बड़ा बनाए, आपने जो भी गाड़ियां ले रहे हैं जिस बजट की उससे 100 गुना ज्यादा बजट की गाड़ियां ले, तो ये सब आपको अब करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग भी नहीं हुई, अभी तो काम ही स्टार्ट नहीं हुआ। बस यही मेरी तरफ से लोगों को शुभकामनाएं हैं कि भाई लगे रहें, रिजल्ट बहुत शानदार होगा और बहुत जानदार होगा, जैसे कि आप स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं। बस मेरी तरफ से यही शुभकामना है कि आप यहाँ से बड़ा पैसा बन कमाएं, अपना अपना फ्यूचर ब्राइट करें, अपने परिवार का फ्यूचर ब्राइट करें, और अपने जो भी आपके रिलेटिव्स हैं उनका भी फ्यूचर ब्राइट करें, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों ने अपने रिलेटिव्स को भी लगा रखा है, तो आपके साथ में अगर, ठीक है, उनका भी भला हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी चीज है सर, और बस कंटिन्यू लगे रहें। और आज विजयदशमी है, दशहरा है, तो उसकी शुभकामनाएं जितने भी इनोवेशन फैक्ट्री के पार्टिसिपेंट्स हैं सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं, और आपके पास जो अगला विजयदशमी आए तब तक आप जितने लोग भी इस मीटिंग्स के अंदर रहे हो, जो कंटिन्यू डेली मीटिंग्स के अंदर आ रहे हैं, आप सबके पास कम से कम 1 1000 BTC हो अगले विजयदशमी तक, ये शुभकामनाएं है, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू संजय भाई जी। गौरी शंकर जी, गौरी भाई हैं? ओके, और कोई मित्र है हमारे? जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर जितेंद्र वर्मा। जी सर थैंक यू। पहले तो सारी कम्युनिटी की विजयदशमी मतलब दशहरा की हार्दिक बधाई सभी को, और जो एक एक्साइटमेंट वाली सर न्यूज आ जाई है, जैसा कि हम लोग डिमांड भी कर रहे थे या हम लोगों को लग रहा था कि कुछ और भी इसमें होना चाहिए, कि हम अपने स्तर तक सोच ही रहे थे, और शायद हमारे जो ओनर हैं, जो हमारे मेंटर हैं, उनके मन तक हम लोग की बात पहुंच गई और उन्होंने हमारे कहने से पहले ही उस चीज पे अमल करना शुरू कर दिया। तो इनोवेशन फैक्ट्री की कम्युनिटी के लिए
इससे बेहतर सर मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं हो सकता, और जो कल होने वाला है वो और भी बेहतर होगा, और उस बेहतर के बाद हम लोगों की जो स्पीड थोड़ी अभी मैं कह सकता हूँ कि स्लो चल रही है, वो शायद 10x 10 टाइम तेजी के साथ, और तेजी के साथ ग्रोथ करना हम लोग शुरू कर देंगे। थैंक यू सर, बस मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू ब्रदर्स। तो आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों का बहुत ज्यादा समय खराब नहीं करूंगा, फैमिली टाइम है और आप लोग मुझे जानते हैं कि हम लोग नेटवर्क इसीलिए करते हैं कि थोड़ा टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, इस तरह की चीजें हों, परिवार के साथ भी समय निकालना चाहिए। तो आप लोग ये समझ लें कि कल डेफिनेटली, जो मुझे अपना एक अनुमान लग रहा है, बट मैं अपना अनुमान भी आज शेयर आपके साथ नहीं कर सकता, ठीक है, वो अनुमान को भी रहने दें। और आप लोग अपने पूरे परिवार के साथ हंसी खुशी विजयादशमी मनाएं, मेले का आनंद लें, कहीं रावण वध हुआ होगा तो उसकी भी चर्चाएं करें, उसको भी एंजॉय करें। और फ्रेंड्स, आप सभी लोग समझ लें कि जो कल अनाउंसमेंट होने वाला है एच पर माई कैलकुलेशन, बहुत से लोगों की बेरोजगारी दूर हो जाने वाली, ठीक है, बहुत से लोग जो फंड्स के अभाव से ग्रसित थे और स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे, वो लोग भी दौड़ पड़ेंगे। तो कुछ चीजें जब वहां तक मुझे ऑडियो सुन के समझ में आई, तो लगता है कि कल का दिन ऐतिहासिक होगा सारे क्रिप्टो लवर्स के लिए भी, और बिटकॉइन लवर्स के लिए, और इनोवेशन फैक्ट्री से जुड़े हुए हर उस व्यक्ति के लिए जो चाहते हैं कि उनसे जुड़े हुए लोग सक्सेसफुल हों। तो बहुत ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ जी, एक बच गए हैं और जी हैं या मीटिंग वाइंड अप करने की इजाजत है? थैंक यू जी, जी करें। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। मेरी तरफ से पूरी कम्युनिटी को, मेरे सब साथियों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और साथियों, मैं आपसे एक सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगा आज के दिन में, कि जो हमारे इर्द गिर्द नेगेटिव रावण हैं, उन रावण को अपने पास से साइड कर दें, और फिर देखें आप इनोवेशन फैक्ट्री का मजा क्या है। जैसा कि आज एक ऑडियो मिला है, उस ऑडियो के बारे में जैसा हमारे सीनियर्स ने बता दिया आप लोगों को, भाई कल पता लगेगा, लेकिन उसकी झलक से ही, जैसे ही वो ऑडियो मिला है, डाउनलाइनों से फोन धमाधम आने लग गए हैं, सर मुझे 5, मुझे 4, मुझे 2, मुझे 3। भाई है ही नहीं, कंपनी ने पहले बंद कर दिया था। जिस दिन कंपनी ने BFIC से स्वैपिंग बंद की थी, उसी दिन समझ जाना चाहिए था कि ये कितना कीमती है। अगर हमने इसे दे दिया किसी को तो वापस कैसे मिलेगा। कंपनी की तरफ से सारी प्लानिंग करके की जाती है। तो अगेन हैप्पी दशहरा आप सब लोगों को, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। तो जी डियर को होस्ट, मीटिंग वाइंड अप करने की इजाजत है? बिल्कुल बिल्कुल सही है सर, कर सकते हैं। चले बिल्कुल, क्योंकि प्रेजेंटेशन सबको पता है, और आज का दिन मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने परिवार को ज्यादा से ज्यादा समय दें, और हम लोग कल समझते हैं कि जो चेंजेस हैं उसमें क्या अपॉर्चुनिटी है। और प्लान प्रेजेंटेशन तो पार्ट ऑफ लाइफ है, हम सभी लोग जानते हैं, नेटवर्क इंडस्ट्री में हमेशा कहा गया है STP, सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान, STP के अलावा कोई वर्ड नहीं है सक्सेस का। अभी तक आप लोग अगर BFIC नेटवर्क और बिलव नेटवर्क को एंजॉय कर रहे थे, तो वो एक यूनिक कॉन्सेप्ट था आज से पहले, या इनोवेशन फैक्ट्री से पहले कहें तो नहीं था मार्केट में। और आप सभी लोग जानते हैं कि उल्टी सीधी हरकतें बहुत सी होती रहती हैं, बट इनोवेशन से पहले इस तरह की चीजें नहीं थी, और हम लोगों ने बड़े इत्मीनान से बैठ बैठ के पैसे बनाए, तो दैट्स गुड। बट अब समय है नेटवर्क करने का, और नेटवर्क करते हुए कई लोगों की जिंदगियों को हम लोग बदल सकते हैं, ये हम लोगों को पहले से पता है। और एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से हम आंख बंद करके निश्चिंत होकर के काम कर सकें, और वैसे प्लेटफॉर्म की तलाश हर अच्छे लीडर को होती है, अदरवाइज हर लीडर अपने आप में डरा हुआ होता है कि कंपनी का फ्यूचर क्या होगा। तो एक अच्छी कंपनी हम लोगों को मिली है, और हम लोग वहां पे वर्क कर रहे हैं, और जो हम लोगों की इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें सक्सेसफुल हों। सब लोग हमेशा से, इन्होंने सब लोगों ने यही सुना है कि जब भी हमारे मेंटर उमर सर आते हैं, तो जो कंपनी का मेन विजन फोकस होता है वो कम्युनिटी होता है। किसी को नहीं कहता कि बड़ा इन्वेस्टमेंट लगाएं, लेकिन बड़ी कम्युनिटी लाएं, इस पे फोकस हमेशा रहता है, जिसका नतीजा रहा आपका बिलव का रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जहां पे सिर्फ 17 दिनों में 1 करोड़ का रजिस्ट्रेशन लगे। ऐसा ही कुछ बड़ा धमाका करने की प्लानिंग के साथ मुझे उम्मीद है कि कल उमर साहब आप लोगों के बीच में होंगे। तो आज एंजॉय करें, और कल एक बड़े सरप्राइज के लिए रेडी रहें। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हैप्पी दशहरा, गुड नाइट, बाय बाय, लव यू ऑल।